दर्शकों, आपसे इस वीडियो को आखिरी तक देखने की अपील नहीं करूंगा, क्योंकि आखिरी में मैं एक ऐसा वीडियो यहां पर जोड़ने वाला हूं जो होली के दिन का है और जिसमें महिलाओं को बुरी तरह से उनके सामने ही अपमानित किया जा रहा है अश्लील तरीके से। फिर भी महिलाएं बड़े खुशी के साथ उसको सहन कर रही है, क्योंकि उन्हें लगता है ये उनकी महान संस्कृति वाली परंपरा है, महान संस्कृति वाले धर्म की परंपरा है। बहरहाल, आज की इस वीडियो की शुरुआत उस वायरल तस्वीर से करते हैं जिसको पिछले दिनों, दो दिनों से लगातार इसे शेयर किया जा रहा है। दो दिनों से वायरल ये तस्वीर है उस महिला की जिसने चैत्य भूमि के सामने होली जलाने का विरोध किया था और डटकर विरोध किया था इस भीम की बेटी ने, और इसने पूरी अपनी कोशिश लगा दी थी कि वहाँ पर वो होली न जले, और उसकी ये कोशिश कामयाब हुई। ये जयाताई सत्यभामा अंकुश बंसोड़े की तस्वीर है जो कि पिछले साल बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने ये विरोध दर्शाया था। पिछले साल की ये घटना है, लेकिन इस साल भी ये तस्वीर बहुत ज़बरदस्त तरीके से वायरल हुई है। हम इस घटना का एक वीडियो आपके साथ में शेयर करते हैं जिसमें उनके इस आंदोलन का, इस प्रयास का और इस विरोध का आप स्वर देख सकते हैं। कारण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची चैत्यभूमि आमच्यासाठी अस्मिता आहे, आमच्यासाठी प्रेरणास्थान आहे, आणि आमच्यासाठीच नाही तर जगातील प्रत्येक आंबेडकरवाद्यासाठी चैत्यभूमि हे प्रेरणास्थान आहे, आणि या प्रेरणास्थानी अशी विडंबना आम्ही तरी सहन, आणि कायद्याच्या मदतीने ही विडंबना आम्ही सहन करणार नाही। मला तर असं वाटतं आमच्या आधी तर इकडच्या रखवालदारांनी, पोलीस अधिकाऱ्यांनीच हे थांबवलं पाहिजे होतं, परंतु ती जबाबदारी आता सामान्य नागरिकांना घ्यावी लागते। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर फक्त बौद्ध समाजाचे नाही आहेत तर या देशाचे महापुरुष आहेत, आणि त्या महापुरुषाच्या अशी विडंबना आपल्या डोळ्यांसमोर होते। ही कायद्याची वर्दीच आपण या महापुरुषामुळे घातलेली, आणि त्याचा असा अपमान आपल्या तरी डोळ्यांसमोर होताना आपण कसं सहन करू शकतो? जोपर्यंत हे हटणार नाही तोपर्यंत इथून उठणार नाही। तुम्हाला आम्हाला कोणत्या जेलमध्ये टाकायचं टाका, किती मारायचं ते मारा, कारण कायद्यासाठी लढणाऱ्या समाजावर जर तुम्ही लाठी चालवणार असाल तर आम्ही लाठ्या खायलाही तयार आहे, परंतु चैत्यभूमीचं विद्रुपीकरण आम्ही करून देणार नाही। आणि समाजातील जी काही दलाल मंडळी ज्यांच्या मदतीने ही परवानगी दिली गेलेली आहे त्यांना, त्यांचा देखील बुरखा आम्ही समाजापुढे टराटारा फाडल्याशिवाय राहणार। सही मायने में ये वो महिला है जो महिला को जलाने का, महिला को प्रतीकात्मक रूप से भी जलाने का विरोध कर रही है, और वो भी उस जगह पे जहाँ पे चैत्य भूमि है। चैत्य भूमि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण के बाद ये चैत्य भूमि बनाई गई, जिस स्थल पर, उस स्थल पर ये कोशिश की गई कि उन्हीं के विचारों के खिलाफ जो है वहाँ पर होली जलाई जाए। बाबा साहब के विचारों को के खिलाफ काम करने का ये मनवादियों का ये कोई नया फंडा नहीं है, हमेशा से इन्होंने कोशिश की है, और इसी वजह से बार बार मनुस्मृति जलाई जाती है। जो कहते हो ना आप लोग कि बार बार मनुस्मृति जलाने की क्या ज़रूरत है, वो इसीलिए जलाने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इनकी तरफ से भी ऐसी कोशिशें होती रहती है। अभी हाल ही में दिल्ली में अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में भी ऐसी ही कोशिश की गई थी, आपने वो तस्वीर देखी है, जब जहाँ पर बाबा साहब के उस प्रतिमा के ठीक सामने शिवलिंग बनाया गया था। तो ये कोशिशें हमेशा से होती रही हैं और इसका विरोध भी हमारी महिलाओं ने भी, हमारी बहनों ने भी खूब ज़बरदस्त तरीके से किया है। ये वो प्रगतिवादी वास्तविक महिलाएं हैं, वरना वो भी महिलाएं हैं जिनको हमने होली जलाकर प्रतीकात्मक रूप से महिला को जलाती हैं और फिर उसके बाद उसके ठीक सामने रंग बरसे जैसे गानों पर नाचती हैं, खूब रंग खेलती हैं। और रंग बरसे ये गाना आप जानते हैं ना कि कितना अश्लील गाना है, इसमें की एक पंक्ति, एक अंतरा आपने अगर सुना होगा, ये अमिताभ बच्चन ने गाया है इस गाने को, लेकिन इस गाने में जो बात कही गई है साहित्यिक रूप से, बड़े कलात्मक तरीके से, बड़े सौंदर्य, साहित्यिक सौंदर्य से के रूप में ये कही गई है, लेकिन बहुत अश्लील बात महिलाओं के लिए कही गई है कि बेला चमेली का सेज बिछाया। इस अंतरे को आप सुनिएगा, बेला चमेली का सेज बिछाया, सोवे गोरी का यार बलम तरसे रंग बरसे। मतलब ये कि बलम यानी कि पति तरसता है और बॉयफ्रेंड मजे उड़ाता है। ये अश्लीलता जिस पर ये महिलाएं, तथा कथित रूप से प्रगतिवादी महिलाएं जो आज महिला दिवस पर बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाली हैं, ये भेष बदल कर बातें करने वाली हैं, लेकिन वास्तव में इनके अंदर अभी भी वो तमाम रूढ़ियाँ, वो तमाम बेड़ियाँ से ये ग्रसित महिलाएँ हैं
जो इनकी सोच आप देखते हैं, ये वही महिलाएं हैं जो चलनी लेकर चांद के सामने खड़ी रहती है। वही तथाकथित प्रगतिवादी महिला और वास्तविक प्रगतिवादी महिला का ये अंतर आपको हमने इस वीडियो में दिखाने का प्रयास किया है। और अंत में अब मैं वो वीडियो शेयर कर रहा हूँ जो होली के अवसर का ये वीडियो है और ये वास्तविक वीडियो है। इस वीडियो को देखकर आपको भी बहुत शर्म आएगी, हो सके तो कान में आप हेडफोन लगाएं उसके बाद ही सुनिएगा, क्योंकि बहुत बुरी बुरी गालियां इसमें महिलाओं को दी जा रही है और बड़े मजे से ये महिलाएं सुन रही हैं। परमानंद और एक लंड से तीनों चौधरी सास बहु और नंद बजाए गयोरी, मेरे अंगना में बांसुरी बजाए गयोरी, अरे तेल जले बाती जले और नाम दिए को होय, भाभी नाम दिए को होय, और चूत चुदावे यार ते और नाम खसम को होय, बजाए गयोरी मेरे अंगना में। आई लव यू।